बहुत दिनों के बाद मैं आज वापस चैनल पे अपना वीडियो अपलोड करूँगा। किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड करना बंद करती थी, आज हम वापस मिले हैं तो मैं टॉपिक भी लेके आया हूँ, अलग अलग नोट्स लेके आया हूँ, वो आपसे शेयर करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि मतलब पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के बाद वीडियो एक बार ज़रूर देखें, समझें, और उसके बाद कैसा लगा वीडियो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चलो हम बिना टाइम गवाएं अब नोट्स पर ध्यान देते हैं। चलो हमें नोट्स हैं, हमारा आज का टॉपिक है ब्रह्मांड। हमारे मन में आता है कि ब्रह्मांड आकाश मतलब अंतरिक्ष को बोलते हैं हम, और ये होता क्या अंतरिक्ष? तो ये है ब्रह्मांड क्या है, तो समस्त आकाश से यहाँ खंगोल लिए पिंड अनंत आसमान में विक्रम हुए प्रतीत होते हैं। मतलब आकाश से खंगोल पिंड है जो हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग बिखरे हुए जैसे तारे सूर्य चंद्रमा अलग अलग दिखाई देते हैं, धूल के कण हम जो भी, तो इसको ही अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के नाम से जाना जाता है। तो हमारे में सवाल आता है कि ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्ध एक सिद्धांत है बिग बैग के नाम से जाना जाता है। उसके अनुसार ब्रह्मांड एक खंगोले पिंडों की उत्पत्ति एक वृद्ध प्रभावशाली विस्फोट के कारण हुई थी। एक प्रभावशाली बहुत विस्फोट हुआ था बहुत सालों पहले, उसमें इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी सब की उत्पत्ति हुई थी। अब आता है खंगोले पिंड आ रहा है, तो एक खंगोले पिंड क्या, मतलब खंगोले पिंड आए तो खंगोले पिंड है क्या? आसमान में फैले तारे, उनका पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, और जिनमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी भी शामिल है, उसे खंगोले पिंड कहते हैं। खंगोले पिंड किसे कहते हैं? तो उनका पिंड है जो तारे हैं, ग्रह है, उपग्रह है, जिस और उसमें सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा भी शामिल है, उसके खंगोले पिंड कहते हैं। अगला हमारा एक और आया है, अजीब सा है कि हेली क्या है? सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि हेली क्या है। हेली सबसे प्रसिद्ध पुछल तारा, एक पुछल तारा है, उसको किस नाम से जाना जाता है? हेली के नाम से। और इसकी एक खास विशेषता यह है कि यह प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। सबसे पहले इसको 1986 में देखा गया था। अब इनका अगला अनुमान है कि अब यह 2062 में दिखाई देगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे, आकाशगंगा नाम सुना होगा कि आकाशगंगा क्या है? तो तारों के अवशेषों, तारों के मध्य गैसों और धूलकणों के ऐसे जमा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। मतलब तार है, तारों ये तारे हैं जो, और तारों के अवशेष, धूल कण जो और गैस जिनसे एक दूसरे से ये बंधे हुए हैं, उसे आकाशगंगा कहते हैं। ये कहते हैं कि 7 तारों का समूह होता है, आपने देखा होगा कभी आकाश में भी पड़ा भी है 7 तारों के। तो भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? सप्त ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। एक होता प्रकाश, कि प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, और खंगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता? तो प्रकाश का, प्रकाश वर्ष का। प्रकाश वर्ष है क्या वो हम आगे पढ़ेंगे। ध्रुव तारे की विशेषता, अब आता है हमारा कि ध्रुव तारे की विशेषता क्या है? ध्रुव तारे का नाम सुने होता और हमारे को पता भी है क्या विशेषता? ध्रुव तारा
एक तो इसकी यह विशेषता कि इसका उत्तर दिशा सटीक है, कि ध्रुव तारा किधर होगा, उत्तर दिशा में होगा, और एक इसका स्थान अस्थिर, बाकी तो सब तारे इधर उधर जाते हैं पर यह किधर ही नहीं जाता, वो वही उसका अस्थिर बिंदु है, उत्तर दिशा में रहता, हमेशा उत्तर दिशा में रहेगा। एक है, अब आता है हमारा अगला, आकाश गंगा हमने पढ़ा है तो इसका निर्माण कैसे हुआ। आकाश गंगा हमने पढ़ा है कि आकाश गंगा तारों में बनता हुआ है, धूल कण है वो है वगैरह वगैरह, तो आकाश गंगा का निर्माण कैसे हुआ। आकाश गंगा का निर्माण लाखों नक्षत्र मंडलों और तारों के मध्य गैसों और धूल के कणों से हुआ। किससे हुआ, नक्षत्र मंडलों और नक्षत्रों, जो नक्षत्र हम बोलते हैं वो भी नक्षत्र बोलते हैं वो, और तारों के मध्य के धूल कण गैस के कारण इसका निर्माण हुआ। अब आता है सप्तऋषि तारों को, भारत सप्तऋषि तारे सात तारों के समूह को भारत में सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, बाकी अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में तो हो गया सप्तऋषि मंडल, और यूनान, अगर यूनान में देखा जाए तो इसको स्मॉल बियर या डिपर के नाम से जाना जाता है, स्मॉल बियर या डिपर किसमें, यूनान में। अगर माने फ्रांस में किस नाम से जाना जाता है, फ्रांस में है सस्पेन, सस्पेन में वो जो मतलब होता है हफ्ते वाली डेंची के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में देखा जाए तो इसको खेत जूते वाला हल के नाम से जाना जाता है, आपने आकाश में देखा होगा सात तारों का समूह देखा होगा, पढ़ा भी है, उसको ब्रिटेन में किस नाम से जाना जाता है, खेत जूते वाला हल। और माना चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो बादशाह के रथ के नाम से इसको जाना जाता है। अब आता है कि अगला सवाल हमारा आता है कि मानव ने पुराने समय में तारों के पहचानने के लिए क्या क्या तरीके निकाले होंगे प्राचीन समय में। अब तो सब विद्वान और वैज्ञानिक सब खोज की है कि किस नाम से जाना जाता है, ग्रह कौन सा क्या है, प्राचीन समय में तो कोई था ही नहीं तो उनको कैसे पता किस नाम से इनको जाने जाते थे। तो प्राचीन समय में अधिकांश मानव जातियाँ कृषि या पशुपालन का कार्य करती थी, क्या करती थी, हमें पढ़ा भी है पढ़ते भी आ रहे हैं, प्राचीन काल में मानव जाति क्या करती थी, कृषि और पशुपालन का काम करती थी। तो इन तारों के समूह में उन्हें, ये तारे का जो समूह होता है उन्हें वो क्या करते हैं नाम रखने के लिए, कि जब भी कोई तारा का समूह देखते हैं, इस समूह को देखा उसमें जो भी उनको पशु पक्षियों की आकृति दिखाई देती थी वो उनके नाम रख देते थे, इस तारे का नाम क्या है, ये पशु पक्षी हो किसका जिसका भी उसको आकृति दिखती थी, चित्र दिखता था, उनके नाम रख देते थे। सूर्य एक तारा है, हमारा एक प्रश्न आता है कि सूर्य भी एक तारा, हमने पढ़ा भी है, लेकिन वह अन्य तारों से बड़ा क्यों दिखाई देता है। सूर्य एक तारा है, यह पृथ्वी का सबसे निकट अधिक मतलब पास का तारा है, मतलब सबसे पास में है पृथ्वी के, मतलब सूर्य के क्या है, सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती मतलब पृथ्वी के सबसे पास में, इस कारण सूर्य पृथ्वी के पास होने के कारण अन्य तारों से बड़ा दिखाई देता है, जबकि दूसरे तारे हैं वो क्या पृथ्वी से बहुत दूर है। हमने पढ़ा भी है कि तारे सूर्य से भी बड़े हैं तो वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, तो क्योंकि सूर्य तो पृथ्वी के सबसे निकट है और तारे हैं तो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर है, अधिक ऊंचाई पर है, इस कारण वो मैं छोटे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है, हमने पढ़ा भी उपग्रह ग्रह, तो ये ग्रह है क्या, हमारा क्या आता है क्या, ये ग्रह है क्या, ग्रह किसी दूसरे के प्रकाश से चमकने वाले पिंड है, ये क्या है, ये अपने खुद के प्रकाश से नहीं चमकते, ये क्या दूसरे के प्रकाश से चमकते। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह, हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह, हमने पढ़ा भी एक पृथ्वी एक ग्रह है, वह भी किसके प्रकाश से चमकती है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकती। सूर्य के ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पंथ पर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं सारे, सूर्य के ग्रह हमने पढ़ते भी आ रहे हैं और देखा भी है, चित्र भी देखा है कि क्या है वो सूर्य के बीच में सूर्य और चक्कर लगा रहे हैं सारे पृथ्वी या हम सब भी उसके ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। धन्यवाद और वीडियो देखने के लिए, और अब आपको वीडियो कैसा लगा
वो कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें DSG कोचिंग, और हमारे साथ जुड़ें। और अब तो लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी, तो इनसे भी सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक क्या है हमारा, उस पर भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन भी ज़रूर दबाएं और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।